जैसी करनी वैसी भरनी। लालची दुकानदार। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान था जो कि दूध और दही से मक्खन बनाकर उसे बेचकर घर चलाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वह उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हो गया। वह मक्खन गोल मोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को रोज की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, रसोई का तेल और साबुन आदि खरीद कर वापस अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया, परंतु उसे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना इसमें से एक पेड़े का वजन चेक किया जाए। वजन तोलने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरानी और परेशानी में दुकानदार ने सारे पेड़े तोल डाले, मगर किसी के सारे पेड़े 900 ग्राम के अधिक नहीं निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकान की दहजील पर चढ़ा, दुकानदार ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना मुझे पसंद नहीं। 900 ग्राम मक्खन को 1 किलो बताकर बेचते हो, देखना गवारा नहीं करता मैं। किसान ने बड़ी विनम्रता से दुकानदार को कहा, मेरे भाई मुझसे नाराज बिल्कुल भी ना हो, हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं, हमारे पास माल तोलने के लिए वजन कट्टा खरीदने की हैसियत नहीं है। आपसे जो 1 किलोग्राम चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े पर उतना ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ। जो हम दूसरों को देंगे वही लौटा कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत सामान हो या फिर धोखा। अब जो देते हैं बदले में हमें वही मिलता है, यही संसार का नियम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।